नमस्कार दोस्तों, आप लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी का वीडियो तो देखे ही होंगे और वहाँ पे बहुत बहुत सा चीज आ रहा है, बहुत कंपनी आ रही है, बहुत फ्लोटिंग हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है और वहाँ पे बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग दुकानों का ले रहे हैं, रेसिडेंसी का ले रहे हैं और वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ पे आपको कौन सी सुविधा मिलेगी और कौन सी सेवा आपको मिलेगा, वो चीज़ जो है वो चीज़ आप कहीं कोई भी वीडियो में आप देखे नहीं होंगे। यदि गूगल में सर्च मारे होंगे तो वो सुविधा आपको देखने को मिला होगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सेवा के सुविधा के लिए और सेवा क्या क्या है, क्या क्या सुविधा है, वो मैं लिख के रखा हूँ, उसको जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी सेवाएं आप लोगों को मिलने वाली है। तो पहली सेवा जो है आपको प्लाट एरिया जो है 268 वर्ग गज से शुरू होता है। तो 268 गज जो है ये जो पहला एरिया जो आपको जो कहीं पे आप लेते हैं तो 268 गज का एरिया आपको शुरू होता है। और फिर दूसरा जो है चार सामान्य भूखंडों की कुल संख्या 39,461 वर्ग फुट है। ये जो एरिया भूखंड है, ये जो टोटल एरिया जो है 39,461 वर्ग फुट है, दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर में आता है कि अच्छी तरह से मैनिक्योर, हरियाली और विशेष संरचनाओं के साथ एकीकृत भू निर्माण। और वहाँ पे जो है आप कहीं भी प्लॉट लेंगे, चाहे इंडस्ट्रियल लें, कहीं पे भी लेंगे, तो वहाँ पे जो है अच्छी तरीके से उसका डिजाइन भी होगा, अच्छी तरीके का जो है वहाँ पे पेड़ पौधे लगाया जाएगा, गार्डन रहेगा, ये सब तरीका रहेगा, तीसरे में दिया है। और चौथे में जो दिया हुआ है एक बड़ा क्लब हाउस, इंडोर खेल सुविधाओं की पेशकश, आधुनिक आधुनिक जिम उपकरणों के साथ स्वास्थ्य केंद्र और समारोहों के लिए विशेष हॉल जो है वहाँ पे सुविधा जो है आपके लिए सुविधा जो दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप तो जानते ही हैं क्लब हाउस, सबको जो भी रेसिडेंसी बना रहे हैं चाहे फ्लोट हो भी, तो वहाँ पे क्लब हाउस तो रहेगा ही और जिम भी वहाँ पे रहेगा ही रहेगा और स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे भी वो सब रहेगा और गार्डन रहेगा, ये सब सुविधा जो है ये चौथा नंबर में दिया हुआ है कि चौथा नंबर में जो है ये सब सुविधा सभी लोगों को देना ही पड़ेगा, सबके लिए जो रेसिडेंसी बना रहे हैं चाहे इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, ये सब काम उनको करना ही पड़ेगा, ये सब सुविधा आपको मिलने वाली है, चाहे आप रेसिडेंसी ले लिए हो, चाहे आप इंडस्ट्रियल ले लिए हो, चाहे लेने वाले हैं, ये सब सुविधा वहां पे मिलेगा। और पांचवा में जो है हर रोड के साइडों में, जैसे रोड बन रहा है और उसके आजू बाजू जो है उसके साइड में जो है पेड़ पौधे लगाया हुआ मिलेगा आपको, पेड़ पौधा लगा रहेगा और बीच में जो है वो रोड रहेगा, उसपे स्ट्रीट लाइट और उसके बाजू में स्ट्रीट लाइट जो है उसके आसपास स्ट्रीट लाइट लगा रहेगा, बीच में जो रोड रहेगा ऐसा। और छठवां जो है बोरवेल के माध्यम से पानी की आपूर्ति का प्रावधान जो है हर सोसाइटियों में जो है, देखिए मीठा पानी अलग तरीके का, जैसे वो तो पीने खाने का काम आएगा, और बोरवेल का पानी जो होता है कपड़ा धोने के लिए चाहे अन्य कामों में आप ले सकते हैं उसको, तो बोरवेल का सुविधा हर जगह आपको मिलेगा चाहे रेसिडेंसी हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, धोलेरा स्मार्ट सिटी में ये सब सुविधा आपको मिलने वाली है। और सातवां जो होता है अलग जॉगिंग ट्रैक, वॉकवे, माने अलग अलग से आपको जॉगिंग के लिए भी वो सुविधा मिलेगी। और आठवां जो है 24 घंटे सुरक्षा, और जो है कहीं भी स्मार्ट सिटी धोलेरा में बन रहा है वहां पे आप रेसिडेंसी चाहे प्लॉट लिए हो, चाहे कंपनी के लिए हो, चाहे रहने के लिए लिए हैं, लेकिन वहां पे जो है सुविधा आपको सुरक्षा का अच्छा मिलेगा क्योंकि वहां पे सबके लिए सुरक्षा। नौवां जो है आकर्षक प्रवेश द्वार, जो
आप कहीं पे एंट्री कर रहे हैं, चाहे कोई भी सोसाइटी में जाएंगे, तो जो गेट रहेगा बहुत सुंदर बनाया जाएगा। सुंदर बनाया जाएगा कि कोई भी जैसे मान लीजिए चाहे बाहर से आता हो, चाहे कोई भी दूसरे दूसरे प्रांत से आ रहा है, तो गेट देख के ही उसको मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये स्मार्ट सिटी बन रही, बहुत सुंदर। तो इसके लिए वहां पे जो भी गेट भी बनेगा ना, तो बहुत सुंदर गेट बनेगा। कोई भी सोसाइटी वाले, कोई भी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जो भी गेट बनाएंगे तो गेट बहुत सुंदर रहना चाहिए, सुंदर रहेगा। और दसवां जो है लैंडस्केप हरे भरे गार्डन, दसवां अब जानते हैं गार्डन, गार्डन वहां पे सुंदर एकदम। तो चाहे आपको कोई भी जैसे मान लीजिए चाहे स्ट्रीट लाइट लगाओ, मैं सुंदरीकरण वहां पे बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर बनेगा। और 11 जो ग्रामा जो पड़ता है आपका, जल निकासी की सुविधा, जैसे मान लीजिए अब वहां पे आप देखेंगे कहीं पे भी सिटी में आप जाते हैं तो रोडों पे पानी जाम हो जाता है, चाहे वहां पे बाढ़ आ जाती है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में कभी बाढ़ आने वाली नहीं है, न कभी वहां पे पानी रुकने वाला है, क्योंकि वहां पे सुविधा जो है जल निकासी का सुविधा है, हर जगह से वो गटरों में से वो वैसा बनाया हुआ है, अंडरग्राउंड जो बना हुआ है कि वो जल वहां पे जाम नहीं होगा, जल निकासी का। फिर आपको 12वां जो नंबर होता है उसमें बच्चों के खेलने का स्रोत है। अब 12 नंबर पे आता है जो बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए आप वहां पे रह रहे हैं, वहां पे सुविधा आपको माने जो आपके बच्चे हैं उनको खेलने के लिए अलग से सुविधा बनाया जाएगा और अलग से सुविधा उनको मिलेगा, खेलने के लिए सुविधा रहेगा। 13 जो है, 13 नंबर पे जो आता है अलग अलग बैठने के लिए गजबाज और बेंच, जैसे मान लीजिए आप वहां पे फ्लोट ले लिए हैं और माइंड आपका फेस नहीं है, अलग से बैठना चाहते हैं, तो वहां पे ऐसा सुविधा भी बनाया जाएगा कि जो आप अलग 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 बैठ के अपना शांति से वहां पे कुछ भी सोच सकते हैं और वहां पे आनंद ले सकते हैं। चाहे आप देखते ही होंगे कोई भी सिटी में जाते हैं तो गांव से लोग बूढ़े लोग आ जाते हैं और सिटी में रहते हैं, तो उनके लिए देखिए जो गांव में रहता है तो उसको अपार्टमेंट नहीं अच्छा लगता है, उसको क्या लगता है कि खुला हुआ आसमान उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो है अलग अलग सुविधा जो बैठने के लिए सुविधा बनाया जाएगा, तो ऐसे लोग भी वहां पे बैठ के अपना आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। और छेल्ला जो आपको है सुविधा जो देने वाली है सरकार, वो जो है हर प्लाट को माप कर ठीक से सीमा का बाउंड्री करना, ये सबके लिए। जैसे कोई भी बिल्डर है, आप वहां पे फ्लोट ले रहे हैं चाहे इंडस्ट्रियल चाहे रेसिडेंसी, तो हर जहां वहां पे तो काम करने वाले बहुत से कंपनी लगी हुई है, बहुत से प्राइवेट भी लगे हैं, सरकार से भी जो बन रहा है, तो वहां पे आपको सुविधा क्या मिलेगा, पूरा बाउंड्री वो लोग पूरे सोसाइटी का बाउंड्री करके देगा और आपका फ्लोट माप के वहां पे बोर्ड लगा देगा कि ये आपका फ्लोट है और यहाँ पे आप जो है अपना फ्लोट जो है माप लीजिए, अब इतना माप के दे दिए, तो वहां पे आप घर बना सकते हैं या जो भी चाहे इंडस्ट्रियल लिए हैं तो अपना फैक्ट्री डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जितना जो 14 जानकारी आपको सुविधाएं जो है, ये सरकार जो है मान्यता दिया है इतने पे, और ये सब आपको सुविधा मिलने वाली है, ये सब सुविधा मिलेगी चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी को, सबको इतना सुविधा तो देना ही पड़ेगा। तो इसी बात पे अभी इतने जानकारी पे दोस्तों मैं अब अपने बात को विराम देता हूँ और आने वाली वीडियो में सोचता हूँ कुछ नए तरीके का आपको बनाऊं और आपको दिखाऊं। जय हिंद।